सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पिंकी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं और मेरी क्यूट सी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज, आज का व्लॉगिंग हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ साथ में आज मेरी बेटी का फेस रिवील भी हो जाएगा। तो इस व्लॉग को कहीं छोड़ कर ना जाना और पूरा वॉच करना, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा, वरना नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो चलो, आज की वीडियो हमारी बेटी के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग में मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो जिस जिसको खानी है तो वो कमेंट कर देना। और ये मैंने मैक्रोनी बॉईल कर दी थी और ये मैं उसका मसाला बना रही हूँ। और वॉइस ओवर मैं गाइस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में सुबह सुबह भजन चलते हैं, तो इस वजह से मैं कॉपीराइट ना आ जाए, तो इस वजह से मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे साथ साथ में चाय भी बन रही है। तो ये मैंने मैक्रोनी जो बॉईल करी थी तो उसको पानी निकाल दिया, सारा छान लिया अच्छे से। और यहाँ मैंने मसाला भी रेडी करके अब उसको मिक्स 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 करूँगी साथ में। और गाइस सच में बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी बनी थी। तो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ही बनाई थी थोड़ी सी मैक्रोनी। तो सच में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी थी। और जिसके भी मुंह में ये देखकर पानी आ रहा है ना, तो वो कमेंट कर देना। और चलो, आप लोग भी इंजॉय करो। और साथ में मेरी बेटी भी यहीं पे लेटी हुई है, तो वो मुझे देख रही है और अपने टॉय के साथ खेल भी रही है। तो चलो, आप लोग इंजॉय करो मेरे व्लॉग को और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे थे और वो रेडी हो रहे थे अपने ऑफिस जाने के लिए, तो वो अपनी बेटी को साथ साथ में खिला भी रहे थे और दवाई भी देनी थी उसकी, तो वो भी उसको साथ में दवाई भी दे रहे थे। और गाइस, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग जल्दी जल्दी नहीं कर पाई कंटिन्यू। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, तो आ जाओ जिसको करना है। और ये रही मेरी मैक्रोनी, कितनी यमी टेस्टी लग रही है सच में। किसके मुंह में पानी आ रहा था वो मुझे जल्दी से ना कमेंट कर देना। और यहाँ पर आज मैं अपनी बेटी का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं फेस रिवील करने वाली हूँ, तो गाइज आप लोग पूरी वॉच करना मेरी वीडियो, आप लोगों को तभी मज़ा आएगा, वरना नहीं तो मेरी वीडियो भी बेकार और आप लोगों का देखना भी बेकार। तो यहाँ पर मेरी बेटी सो चुकी थी, तो मैं साथ साथ में खा भी रही थी और उसको सुला भी रही थी। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि हर दिन एक जैसी चीज़ नहीं बनती और अलग अलग हर दिन चीज़ बनाओगे तो वो अलग ही बनेगी, या तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी या फिर एकदम ही बेकार बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट चेंज करी थी, तो वो मैं लगा रही थी। तो आप लोग देख लो मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ अपना पूरा घर। पहले तो सिंगल बैठता था, इसलिए हम लोग मैं लगा लेती थी, और अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे बेडशीट लगाने में भी। तो यहाँ पे भी मेरी बेडशीट लग गई है और पूरी हो गई है डन। तो मैंने तकिए के पिलो कवर भी चढ़ा दिए हैं साथ साथ में। तो मेरी बेटी साइड पे लेटी हुई थी, तो वो मैं जब बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो मैं उसको सोफ़े पे ही लिटा देती हूँ तकिया लगा के, ताकि वो गिरे ना, और उसके साथ में हमेशा मैं रहती हूँ, और नहीं तो मैं अपने बेड पे ही उसको बेटी को अपने रखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कोई रहता नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह सब रेडी हो गई है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए मच्छरदानी निकाली थी, दिन में भी यहाँ पर मच्छर लगते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरी बेटी का मैं फेस रिवील कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी बेटी किसके ऊपर गई है और किसके ऊपर नहीं। 1 2 एंड 3। ये मेरी बेटी को देखो कितनी जल्दी हो रही थी अपना फेस रिवील करने के लिए। तो गाइस, आप लोग सच में बताना किसके ऊपर आपको मेरी बेटी लगती है, मेरे हस्बैंड के ऊपर या फिर मेरे ऊपर। कैसी लगी आप लोगों को हमारी प्रिंसेस? लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। कौन है ये लड़की? मम्मा को काम नहीं करने देते हो आप? बताओ, है भाई गंजू? गाइस, अभी मेरा सारा घर का काम पड़ा हुआ है,
बस बेडशीट लगाई है अभी मैंने और चेंज करी है, मतलब कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, खुद भी नहाना है। अभी हमारी मैडम इतना परेशान करती है ना ये, बहुत ज़्यादा। ये देख लो इन्हें, बात करो सबसे, बोलो हाय गाइस, मेरा बेटू। तो चलो गाइस पहले इसको निला देते हैं और सुला देते हैं, फिर काम करते हैं, आपको मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरे कपड़े भी रह गए थे धोने के लिए और काम वाम मेरा सारा हो गया। यहाँ पे मेरी बेटी एंजॉय कर रही है अपने टीवी के साथ। और गाइस आज ये लोग भी आ ही गए फाइनली हमारे घर। इतने दिन से आना टानी हो रहा था, और कभी मैं मायके चली जाती थी तो कभी ये लोग आ जाते थे, और कभी ये लोग नहीं आते थे तो मैं अपने घर पे होती थी। तो फाइनली आज ये लोग आ गए हमारे घर, और इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, इन लोगों को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों का नज़रिया अच्छा हो तो सब अच्छे होते हैं, और इनकी इतनी जल्दी दुआ नहीं लगती है जितनी जल्दी बद्दुआ लग जाती है। तो इनको कभी भी आप लोगों को गलत नहीं बोलना चाहिए, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये लोग, बहुत ही ज़्यादा। लगा भी नहीं कि ये लोग मतलब ऐसे वैसे लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक थे, बहुत अच्छे लोग थे ये लोग। और अपना राजी खुशी से मान गए, जो हमसे बना उन्होंने ले लिया। Thank you.